रघुपति राघव राजा राम पति। आपको वह परिवर्तन होना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नमस्कार, आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। हम गांधी जयंती उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कतेवा पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी और उनकी माँ पुतलीबाई है। वह एक भारतीय राजनीति के कार्यकर्ता और लेखक थे। महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत के अहिंसा स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे और भारतीय के नागरिक अधिकारों के वकालत करते थे। गांधी ने अपना पहला सामूहिक सविनय अवज्ञा अभियान आयोजित किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा। उन्हें अर्ध नग्न फकीर कहा जाता था, जिन्होंने करो या मरो के प्रसिद्ध नारे के घोषण की। वह भारत के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। वह भारत छोटे आंदोलन के नेता थे। उन्होंने नमक परकर के खिलाफ प्रसिद्ध ठंडी मार्च शुरू किया। उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा अनुभव है 30 जनवरी 1948 को उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांधी जयंती के सिलसिले में तटतमला सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्र और छात्राएं विविध प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। उनमें कुछ देखें। नमस्कार दोस्तों, आज है अक्टूबर 2 और आज हम मनाते हैं गांधी जयंती। उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 2, 1869 को। जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। दोस्तों, ये ऐसा कहा जाता है कि बचपन में वो बहुत बदमाश थे और फिर बढ़ते बढ़ते वो अच्छे इंसान बनने के लिए साउथ अफ्रीका गए और वापस आ गए तो देखा अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में धमाल ही मचाया था और अपने ज़िंदगी पूरे ज़िंदगी को हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए उन्होंने डाला। 1917 में उनका पहला फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, जो कि था चंपारण सत्याग्रह। और उसके बाद एक एक करके उन्होंने हमें पाया और ऐसे ही उनकी कठिन प्रेत से और हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानियों की मदद से हमें मिला आज़ादी। और ऐसे चलते ही 1948 जनवरी 30 को उनका मृत्यु हुआ। ये दिन हमारे राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी की जन्मदिन है, इसीलिए आज हम खुशी खुशी मनाते हैं गांधी जयंती। सुप्रभात आदरणीय प्रधान आचार्य शिक्षक एवं मेरे पूरे सहपाठियों, मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनजिमा है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मैं इस समारोह में चंद शब्द कहना चाहूंगी। गांधी जयंती हर वर्ष 2 अक्टूबर को पूरे भारत में मनाया जाता है। गांधी जयंती महात्मा गांधी जी के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा को मानते थे और वे दूसरों को भी अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। नमस्कार, हम सभी जानते हैं कि हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाते हैं। इस दिन हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें हम आदर और सम्मान से राष्ट्रपिता गांधी जी और बापू भी कहते हैं। आदरणीय शिक्षकों और प्रिय मित्रों, मेरा नाम अनन्या बिनु आठ से में पढ़ रहा हूँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। गांधी जयंती के पावन अवसर पर मैं कुछ चंद शब्द कहने चाहते हूँ। साल 2 अक्टूबर को पूरा भारत में गांधी जयंती मनाया जाते हैं। गांधी जयंती हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिन भी है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें हम आदर और स्नेह से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता और बाबू कहते हैं। गांधी जयंती। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्रधान आचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों को मेरे नमस्कार। आज गांधी जयंती के पावन अवसर पर मैं इस समारोह में चंद शब्द कहना चाहूँगे। हर साल 2 अक्टूबर को पूरे भारत में गांधी जयंती मनाई जाती है। रघुपति राघव राजा राम, पदीद पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पदीद पावन सीता राम। सीता राम सीता राम, बज प्यार ईश्वर।
सब जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वैष्णव जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उबकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे सगल लोग मा सहुने वंदे निंदा ना करे के नीरे वाच काच मन निश्चल रागे धन धन जननी ते नीरे वैष्णव जन दो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे गांधी जयंती के कुछ पोस्टर देखें समाप्त होता है। धन्यवाद।